जितनी भी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज थी कह सकता हूँ कि वो सारी की सारी आ चुकी हैं। चाहे आप मिर्जापुर के थर्ड सीजन की बात कर लो, पंचायत वेब सीरीज के थर्ड सीजन की बात कर लो, कोटा फैक्ट्री के थर्ड सीजन की बात कर लो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी पसंदीदा वेब सीरीज थी वो सारी की सारी रिलीज हो चुके हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मिर्जापुर के थर्ड सीजन के बारे में। इस सीजन में यानी इसके थर्ड सीजन में 10 एपिसोड है और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो 40 मिनट के आसपास रखी गई है। हाँ, कुछ एक एपिसोड की थोड़ी बहुत 40 मिनट से ज्यादा हो सकती है, मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। बात करते हैं इस सीरीज में क्या अच्छा है, क्या अच्छा है वो तो बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल की स्टोरी की बात, स्टोरी क्या जो इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, ये स्टोरी वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीजन के अंदर, उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल इस सीजन के अंदर हमें जो देखने को मिल रहा है, जहां पर हमने सेकंड सीजन में देखा था कि एक एंडिंग जिस मोड़ पे होती है वहीं से कंटिन्यू किया गया है इसके थर्ड सीजन को। गुड्डू पंडित को मिर्जापुर की अब गद्दी मिल गई है, अब वो किंग समझने लगा अपने आप को मिर्जापुर का। वहां पर उसके रास्ते में आके खड़ा हो गया शरद शुक्ला, जो पूर्वांचल के जितने भी बाहुबली है उनको अपने साथ मिलाकर गुड्डू पंडित को उखाड़ फेंकना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार शरद शुक्ला को भी तो मिर्जापुर का किंग बनना है, सब गद्दी के पीछे पड़े हुए हैं। उधर पॉलिटिक्स में कैसे बाहुबलियों का प्रभुत्व है उसको कैसे कम किया जा रहा है ये भी हमें देखने को मिल रहा है। माधुरी यादव जो मुख्यमंत्री बन गई है वो कैसे प्रदेश को भयमुक्त करना चाहती है, क्योंकि उनके दिल पे काफी ज्यादा प्रहार हुआ है मुन्ना भैया की डेथ के बाद। ऑब्वियसली यार उनसे इतना प्यार था, अब वो नहीं रहे, अब वो चाहती है कि ये बाहुबली खत्म ही कर दें प्रदेश के ऊपर। अब वो लगी हुई है कैसे ये बाहुबली जो है इस प्रदेश से मतलब निकल जाए। खैर उसमें वो कामयाब हो पाती है नहीं हो पाती है, गुड्डू भैया अपनी गद्दी को बचा पाते हैं नहीं बचा पाते हैं, गोलू इसके अंदर गुड्डू भैया की क्या यानी गुड्डू पंडित की कैसे हेल्प करती है, और इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा कमाल की हाँ एक एपिसोड में दिखाई गई है, यार बात करेंगे उसकी हम। और क्या शरद शुक्ला वाकई में जो अपने आप को मिर्जापुर का किंग बनाना चाहता है वो अपने जो मकसद में कामयाब हो पाता है नहीं हो पाता है, कैसे क्या वो बाहुबलियों को इकट्ठा करके क्या वाकई में गुड्डू पंडित को उखाड़ फेंक पाएगा कि नहीं फेंक पाएगा, और हमारे प्यारे कालीन भैया उनकी एंट्री कैसे होती है, उनकी वापसी किस कदर की जाती है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस सीरीज को देखने पर ही मिलेंगे। इस सीरीज के थर्ड सीजन को देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या इसके अंदर कमी है। जो अच्छी बातें हैं सबसे पहले उनको हम लेते हैं। देखो वॉयलेंस जो है इस सीजन में वही रेखा गया जो आपको फर्स्ट सीजन में सेकंड सीजन में देखने को मिल रहा था। हाँ, उसके अंदर कोई कमी नहीं की गई है, डायलॉग भी काफी ज्यादा बढ़िया है। कुछ एक ऐसे सीन इस सीजन के अंदर है जो आप कह सकते हो मी मटेरियल है, जैसे सीजन वन के अंदर थे जो हम पर जो मुन्ना भैया है किसी मतलब जो एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारते हुए कह रहे थे ना आईएएस वाईएएस बनो, उस तरीके के जो मी मटेरियल जो टाइप के जो सीन थे वो इस टाइप मतलब इस थर्ड सीजन में वैसे ही रखे गए। मतलब कि जो मेकर्स हैं उन्होंने खासकर मीमर्स का ध्यान रखा है, इस लेगेसी को कायम रखा है। इसके अलावा एक कवि सम्मेलन भी है जो थर्ड सीजन में हमें देखने को मिला। वाकई मतलब जो ये कवि सम्मेलन है इसके बारे में तो पर्टिकुलरली मैंने लिखा है कि भाई इसके बारे में तो जरूर बात करनी है, क्योंकि इस कदर का बेस्ट सीन मुझे लगा है मतलब इस सीजन में लगा है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि जो कविता जहां पर वो सुनाई जाती है एक कवि के द्वारा वो बहुत बढ़िया है। वो काफी ज्यादा वायरल भी हुई ट्विटर के ऊपर, जिसको आज हम एक्स के नाम से जानते हैं। उस वहां पर जो वायरल हुई उसका एक पर्टिकुलर सीन काफी ज्यादा वायरल हुआ, एक स्टेज के ऊपर एक जेल के अंदर जो दो जहां पर उस कवि ने एक जो कविता सुनाई है, एक अलग अलग कविताएं दो सुनाई है, वो वाकई में कमाल के, वो एक हंसी के पर्सपेक्टिव से ले लो, और एक जो नेताओं को लेकर वहां पर वो तंज कसा गया वो भी कमाल का है। इसके अलावा जो सीन है इस मतलब जो एपिसोड है इस थर्ड सीजन के अंदर, दो एपिसोड में कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा मुझे वो भयानक लगे। मेन जो इस थर्ड सीजन में गुड्डू पंडित के ऊपर ही फोकस किया गया है, और अगर अब हम बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस के मामले में हाँ सब कलाकारों ने अच्छा काम किया, लेकिन हाँ उसको सीजन वन से कंपेयर मत कर लेना फिर आपको डिसअपॉइंट हो जाओगे। ये हो गए इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करें इसके अंदर कमियां क्या है। जो सबसे बड़ी जो कमी है इस सीरीज की वो है इसकी कहानी। आप पूरे थर्ड सीजन में 10 एपिसोड देख लो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा इस सीरीज के अंदर या इस थर्ड सीजन के अंदर इसमें कहानी को आगे बढ़ाया गया। मैं खुद इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस सीजन को देखने के बाद, वाकई में यहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा नया नहीं देखने को मिल रहा कि भाई मैं इस थर्ड सीजन को क्यों देखूं। कोई नयापन नहीं है, वही मिर्जापुर की गद्दी के लिए लोग लड़ रहे हैं मर रहे हैं। आपने नया उसके अंदर क्या दिखा दिया, कहां आपने उसकी कहानी को आगे बढ़ा दिया। इससे बेटर तो यार ये होता ना कि आप इस थर्ड सीजन को लाते ना, इससे बेटर तो आप फोर्थ सीजन को ले आते, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर एंडिंग की गई है थर्ड सीजन की फिर वही ऐसा लगता है कि यार इसकी कहानी को फिर रबड़ की तरह खींचा जा रहा है। हालांकि कहानी है नहीं इस सीरीज को, बस रबड़ की तरह खींचने की कोशिश की जा रही है। कोई भी जरूरत नहीं थी इसके थर्ड सीजन की। हाँ कुछ एक एपिसोड आप कह सकते हो कि हाँ वो बेटर थे, आप इसका लास्ट का एपिसोड कह लो हाँ वो सही था। एक स्टार्टिंग में तो ये जो जिस सीरीज की शुरुआत होती है वो इतनी ज्यादा वीक स्टोरी के साथ होती है, मेरा सच में वहीं से मूड खराब हो गया, मैंने इसके दो एपिसोड देखने के बाद बंद कर दिया था इसको। हाँ शायद कुछ लोगों को बुरी लग सकती है बात, अरे आपने मिर्जापुर के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, इतनी अच्छी सीरीज है। अरे सीरीज अच्छी है जिससे मुझे उम्मीदें भी थी, मुझे लगा कि इसके अंदर कहानी बहुत अच्छे से दिखाई जाएगी इसके थर्ड सीजन में। जो एंडिंग हुई थी सेकंड सीजन की मुझे लगा यार उसके बाद कितनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने की वाली है, लेकिन ऐसा कुछ
कुछ नहीं होता। अब ऐसे समझो यार, फर्स्ट सीजन था इस सीरीज का वो कमाल का था, धमाल ऐसा सीरीज फर्स्ट सीजन रहा। सेकंड सीजन ठीक ठाक था, थर्ड सीजन तो भाई साहब इन्होंने खराब ही कर दिया, इस कदर इन्होंने हालत लाके छोड़ी है। हाँ, थर्ड सीजन की जो एंडिंग है इस कदर की गई है कि हाँ हमें वेट करना पड़ेगा कि इसके फोर्थ सीजन में क्या होगा, लेकिन उस लेवल का वेट नहीं रहा जो सेकंड सीजन खत्म हुआ था वहां पर जो वेट करना पड़ रहा था। यहाँ पर थर्ड सीजन की एंडिंग मैं इतनी कुछ खास भी नहीं कह सकता कि हाँ बहुत जबरदस्त एंडिंग इन्होंने कर दी, बिल्कुल भी नहीं। और एक और जो कमी मैं कह सकता हूँ कि जो मुझे लगी या फिर ऑडियंस को जिस तरीके की लगी होगी वो है मुन्ना भैया की कमी इसके अंदर काफी खली है। मतलब उनका जो स्थान है मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ पर लेने की कोशिश भी की है या फिर कोई ले भी पाएगा वहां पर। सो मुझे एक ड्रॉबैक लगा है, फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन उनकी परफॉर्मेंस काफी कमाल की रही, उनका जो एक करेक्टर था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, अब वो मिसिंग है इसके अंदर। मेनली जो इस सीजन के अंदर यानी थर्ड सीजन में फोकस सिर्फ और सिर्फ गुड्डू पंडित पे रखा गया, बाकी के करेक्टर को इतना ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, कालीन भैया की एंट्री होती है वो बढ़िया है, लेकिन वो भी इतनी कुछ लास्ट में दिखाया जाता है लेकिन उसको इतना टाइम नहीं दिया गया जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। तो मेरी तरफ से तो देखो इसके थर्ड सीजन को मैं दूंगा 5 out of 10। जो इसके सीरीज के मेकर्स हैं शायद उन तक हम जैसे जो इतनी ज्यादा उम्मीद लेके बैठे थे मिर्जापुर के सीजन थर्ड से उन तक आवाज पहुंचे, शायद वो फोर्थ सीजन में कुछ अच्छा काम करें, कुछ क्या बहुत ज्यादा अच्छा काम करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है इस सीजन को बहुत मतलब इसके फोर्थ सीजन को अच्छा दिखाने की। मैंने तो सोचा था यार थर्ड सीजन में इसकी कहानी को खत्म कर देंगे, लेकिन ये तो फिर वही यार रबड़ की तरह बढ़ाते ही जा रहे हैं। मे बी शायद फोर्थ सीजन में ये खत्म हो या ना हो, मुझे कुछ नहीं पता। खैर, अगर आप लोगों ने इसका थर्ड सीजन देख लिया तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। नहीं देखा है तो यार आपके सामने रिव्यू है, आप अपनी बुद्धि का यूज करिए, आपको देखना है नहीं देखना है। वैसे नहीं भी देखोगे कुछ एक सीन देख लोगे आपको इसकी कहानी समझ में आ जाएगी कि हाँ इसके थर्ड सीजन में क्या दिखाया गया। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।